हैदराबाद में भी छात्रों का प्रदर्शन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, बड़ी खबर इस वक्त की हैदराबाद से। तो हैदराबाद में भी छात्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा किया। यही स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आज हम सीएबी के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले जिस दिन से सीए एक्ट जो है बना है, तब से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लगातार हमने एक बहुत बड़ी जो मिसाल रैली, मेगा रैली भी निकाली है। आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सीए ए के अगेंस्ट में। तो हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपने जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है, आप इसको वापस लो। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी, हम आज इस मंच से जो जामिया मिलिया इस्लामिया में, एएमयू में और आसाम में, बाकी जगहों पर हिंदुस्तान में जो लोग सीएए के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हम उनको अपना सॉलिडरिटी यहाँ से पेश करते हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी जनरल जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो सेकुलर लोग हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमें दो गुटों में बांट दिया है। एक वो गुट जो अम्बेडकर और गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, और दूसरा वो गुट जो सावरकर और गोडसे के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम आए, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, आज मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए वो लोग आए सामने और आके लोगों की सपोर्ट करें जो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।